जितने भी लोगों को सुनते हैं वो इस फिल्म को सिर्फ देखे ना, बल्कि कोशिश करें कि जिनके दिमाग में ये कंफ्यूजन था, ऐसा एक एक आदमी 50-50 लोगों को सिनेमा घर में लेके जाए और इस फिल्म को दिखाए और इसमें चर्चा हो। गोधरा को हम सबने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए ऐसे में लोग जिसको देख चुके हैं, सुन चुके हैं, टेलीविजन पे देख चुके हैं, उसको उस हकीकत तक ले जाने में जो रिसर्च की जरूरत है, जो पेशेंस की जरूरत है, जो फिल्मांकन की जरूरत है, वो बहुत बड़ी चुनौती है। हमें आज तक समझ में नहीं आया कि जो लोग कहते हैं कि इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस, तो हमको समझ में ये नहीं आया कि जब इस्लामिक देश के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं, चाहे शिया सुन्नी रह रहे हो या दूसरे रह रहे हैं, इस्लामिक देश से भागने के बाद ये मुसलमान इंग्लैंड में और अमेरिका में शरण लेने क्यों जाते हैं जब वहां तो ईसाइयों की हुकूमत है। अगर आप इस्लामिक देश में सुरक्षित नहीं है तो फिर आप इंग्लैंड में कैसे सुरक्षित है, फ्रांस में कैसे सुरक्षित है? भाई आप में अगर प्रताड़ना होगी तो आप वहां जाओगे जहां आपके लोगों की मेजोरिटी होगी, लेकिन ये एक पूरा एजेंडा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। मुझे खुशी है इस देश में युवा, नए नौजवान, नए लोग जिनका सिनेमा से बहुत कोई बड़ा नाम हो या उनकी कोई ऐसी बैकग्राउंड हो, ऐसे तमाम लोग आज की डेट में ऐसी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज, ऐसी ऐसी फिल्में बना रहे हैं जिन सब्जेक्ट के बारे में बड़े से बड़े बॉलीवुड, बड़े से बड़े स्टार लोगों ने कभी इस तरफ ऐसा कोई रुझान नहीं किया। हमारे एक पुराने मित्र हैं जिन्होंने कश्मीर फाइल बनाई, वो बड़ा एक एक्सपेरिमेंट था, उस समय कोई सोचता नहीं था कि ऐसी फिल्म बन सकती है और न ऐसी फिल्म बनाने का चलन था, क्योंकि जनरली लोग फिल्म बनाने से पहले ही सोचते हैं कि ये कितनी कमाई करेगी। लेकिन कश्मीर फाइल ने बहुत कुछ सच दिखाया, भारत के लोगों को बताया कि भाई 1989 और 90 में कश्मीर में क्या हुआ, और फिर देश ने उसको देखा, फिर केरला स्टोरी आई। लेकिन इन सब के अंदर फिर भी मैं ये मानता हूं कि सब्जेक्ट अच्छा था, फिल्माया भी गया, लेकिन कुछ कुछ तक छूट गए। फिल्म तो बनी लेकिन उसका रियल कॉज क्या था, उस कॉज पे कम बहस हुई। मुझे खुशी है कि कमल शहबाज साहब ने, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, बीजे प्रोहित साहब जो इसके प्रोड्यूसर हैं, आपने जो फिल्म बनाई है वो हमारी जनरेशन की आंखों के सामने गुजरी है। और इस देश में उस वक्त मीडिया बहुत हाई था, इस गोधरा फिल्म को दुनिया तो इसके कई दूसरे एंगल देखती है, जो सत्ताएं होती हैं वो अपने हिसाब से उसको तय कर देती हैं, सत्ता में बैठने वाले लोगों को क्या नैरेटिव सूट करता है, किस वोट बैंक को सूट करता है, उसी हिसाब से कमीशन बने भी। और लालू प्रसाद यादव के जमाने ये सब हुआ, फिर बाद में यूसी बनर्जी कमीशन भी बना, तो ज्यादातर कमीशन जो है वो उस दौर की सत्ताओं के हिसाब से बने। लेकिन भारत विभाजन के समय जब ये देश मजहब के नाम पे बटा, तो 10 लाख सनातनी हिंदू मां बहन बेटी की इज्जत लूटी गई, हत्याएं हुई, नरसंहार हुआ। ये अक्सर हम सिर्फ सुनते हैं और इसको अलग अलग बड़े बड़े लोगों ने लिखा, खुशवंत सिंह ने अपने हिसाब से लिखा और दूसरे लोग भी थे, उन्होंने भी ऐसे लिखा। लेकिन आज की जो बड़ी चुनौती मैं समझता हूं आपके निर्देशक के सामने रही होगी, निर्देशक की क्या सोच है, निर्देशक किस विचारधारा का है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन गोधरा को हम सबने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए ऐसे में लोग जिसको देख चुके हैं, सुन चुके हैं, टेलीविजन पे देख चुके हैं, उसको उस हकीकत तक ले जाने में जो रिसर्च की जरूरत है, जो पेशेंस की जरूरत है, जो फिल्मांकन की जरूरत है, वो बहुत बड़ी चुनौती है। आप सबने मुझे इस फिल्म के कुछ हिस्से दिखाए, आप यकीन मानिए कि इस फिल्म को देखने के बाद मुझे लगता है कि जो लोग गोधरा के बारे में अनाप शनाप बातें करते हैं, गोधरा ऐसे नहीं हुआ था, वैसे नहीं हुआ था, हिंदुओं ने चलाया था, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने अपना एजेंडा था, ये तमाम नैरेटिव थे, लेकिन इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो नेताओं से और इंटेलेक्चुअल से गाइड नहीं होता, उनके लिए ये फिल्म आंखें खोलने वाली है। आपने फिल्म के अंदर किसी सीन में कि किसी को बुरा लगेगा, थोड़ा सा ऐसा कर दें, उसको ड्रामेटाइज कर दें, वो नहीं किया है।
ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं देश के सनातनी हिंदुओं से अपील करता हूँ, खासतौर से वो लोग जो मुझे सुशील पंडित जी को, लगन मरदार जी को, तुफैल चतुर्वेदी जी को, नीरज त्री साहब को, गोविंद रतनू साहब को, जितने भी लोगों को सुनते हैं, वो इस फिल्म को सिर्फ देखे ना, बल्कि कोशिश करें कि जिनके दिमाग में ये कंफ्यूजन था, ऐसा एक एक आदमी 50-50 लोगों को सिनेमा घर में लेके जाए और इस फिल्म को दिखाए और इस पे चर्चा हो। मेरी जितनी ताकत है, जितना लोग मुझे जानते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये गोधरा फिल्म घर तक पहुंचे और लोगों को गोधरा का सच समझ में आए। और फिर गोधरा के साथ एक नैरेटिव जोड़ दिया गया जो पॉलिटिकली था कि गोधरा हुआ था इस कारण दंगे, ये दो अलग अलग घटनाएं हैं। इस देश में दंगे तो मलियाना का भी हुआ, मेरठ का भी हुआ, अलीगढ़ का भी हुआ, और हमारी जिंदगी में तो 4-4 साल तक लगातार दंगों के कारण हम लोग कर्फ्यू में रहे। मुझे अलीगढ़ की एक घटना याद आती है क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटा था। अलीगढ़ में एक खास किस्म का मछली का बिस्किट बनता है, भट्टी में बनता है, एक दही वाली गली करके जगह थी, हम कैंपस में रहते थे। उस जमाने लोकल अखबारों में खबर थी कि 7 हिंदू लड़कियों को जिंदा भट्टी में जला दिया गया, और यह खबर दिल्ली तक नहीं पहुंची। उस जमाने मीडिया बहुत एक्टिव नहीं था, लेकिन हम सब लोगों ने बहुत सी चीजें ऐसी देखी है जो हमारे कभी दिल में होती थी, जो होते किसको बताएं, कौन यकीन करेगा। लेकिन आज आप उन चीजों को जो अपनी आंखों से आपने देखी है, उसको बता भी सकते हैं और उसको फिल्माकन भी कर सकते हैं उसका। लिहाजा गोधरा की कहानी को सिर्फ अगर कुछ लोग ये सोच के देखें कि गोधरा में किसी पार्टी को कोई फायदा होने वाला है या किसी विचारधारा को फायदा होने वाला है, ये फिल्म का किसी विचारधारा से और किसी पार्टी से संबंध नहीं होना चाहिए। गोधरा हर उस हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए और उनको भी देखनी चाहिए जो ये कहते हैं कि हमने गोधरा नहीं किया और हमने ये किया और वो किया और आपकी फिल्म में किसी एक लड़की को छोड़ दिया गया था तो उससे लोगों ने ट्रेन जला दी। ये सारे नैरेटिव हम पिछले 1400 साल से ऐसे ही सुन रहे हैं। हमें आज तक समझ में नहीं आया कि जो लोग कहते हैं कि इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस, तो हमको समझ में ये नहीं आया कि जब इस्लामिक देश के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं, चाहे शिया सुन्नी रह रहे हों या दूसरे रह रहे हैं, इस्लामिक देश से भागने के बाद ये मुसलमान इंग्लैंड में और अमेरिका में शरण लेने क्यों जाते हैं जब वहां तो ईसाइयों की हुकूमत है। अगर आप इस्लामिक देश में सुरक्षित नहीं है तो फिर आप इंग्लैंड में कैसे सुरक्षित हैं, फ्रांस में कैसे सुरक्षित हैं? भाई आप पे अगर प्रताड़ना होगी तो आप वहां जाओगे जहां आपके लोगों की मेजोरिटी होगी। लेकिन ये एक पूरा एजेंडा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कि साहब देखिए ये बेचारे आ गए हैं शरणार्थी, अब इनको जो है आपको जगह देनी है। ये शरणार्थी बहुत खतरनाक है और भारत में भी 5 करोड़ शरणार्थियों के नाम पे म्यांमार से मुसलमान आए, और ये वो मुसलमान है जो म्यांमार में खड़े होकर के ये कहते थे कि हमें यहाँ निजामे मुस्तफा यानी अल्लाह की हुकूमत स्थापित करनी। लेकिन हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों को जो इन बातों को कहते तो हैं लेकिन करते नहीं है, लेकिन म्यांमार के साधुओं ने, साधु का मतलब होता है कि पूरे तौर से उनका वायलेंस से कोई लेना देना नहीं, उन साधुओं को मजबूर कर दिया और उन साधुओं ने कमंडल उठा करके जब तलवार उठाई तो जो निजामे मुस्तफा मांग रहे थे म्यांमार में, वो भाग करके दिल्ली तक पहुंचे, कश्मीर तक पहुंचे, बंगाल तक पहुंचे। तो किसी बीमारी का इलाज अगर ऑपरेशन है और ऑपरेशन बहुत खतरनाक है तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। आप ये कहें कि हम भाई भाई हैं, ये भाईचारा है, ये सारा फ्रॉड है और कुछ नहीं। इसलिए गोधरा जैसी घटनाएं नहीं हो रही, बहुत छोटी छोटी पॉकेट में आज भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि इस देश में एक बेटी सच बोले, सच वो जो आपकी किताब से निकाल के बोले, और 2024 के अंदर लोग दिल्ली में, जम्मू में, बंगाल में दंगा कर दें और नुपुर शर्मा को सच बोलने की सजा ये मिले कि उसको अपने घर के अंदर अपनी जान बचाने के लिए छुपना होगा। ये 2024 के अगर भारत में है तो आप फिर गोधरा के समय, भारत विभाजन के समय, मलियाना के समय, मेरठ के समय, मुरादाबाद के समय, तो दंगों की सीरीज है, अनगिनत दंगे हैं, तब तो क्या होता होगा। इसलिए मुझे खुशी है कि आपकी पूरी टीम ने एक बेहतरीन फिल्म बनाई, अच्छी फिल्म बनाई है और इसको जन जन तक पहुंचाना सबकी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप जहां जहां शो करेंगे और अगर मैं वहां आ सकता हूं तो मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ किसी को भड़काने के लिए नहीं है, इसलिए है कि वो तमाम सारे लोग
जिस वो इसमें मारे गए हैं उनको ये भी सोचना चाहिए कि स्टेशन पे ट्रेन रुके तो दिमाग और आंखें खुली रखनी चाहिए, ऐसा ना हो कि किसी और स्टेशन पे किसी और बुलावे के साथ कोई और ट्रेन चले, ये घटना दोबारा ना हो। इसलिए पूरी टीम को, और आप मेरे ऑफिस आए, आपने मुझ जैसे आदमी को समझा कि मेरे कुछ कहने से कुछ होगा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत